नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी ने आज नामांकन दाखिल किया। बसपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे गठबंधन प्रत्याशी अफजल अंसारी ने 4 सीटों में अपना नामांकन पत्र जमा किया है। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी गाजीपुर के वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को चुनौती देंगे। मनोज सिन्हा मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री हैं, जबकि अफजल अंसारी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के भाई हैं। अफजल अंसारी वर्ष 2004 में गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। अफजल अंसारी मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद अफजल अंसारी ने कहा कि बीजेपी सरकार के विफलताओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता राजनीतिक अभ्यर्थियों को काफ़ी जांचेगी और जनता बीजेपी सरकार की धर्मता का जवाब देगी। अफजल अंसारी ने दावा किया कि हर क्षेत्र में बीजेपी सरकार विफल रही और यूपी में सपा बसपा गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करेगा। लोकतंत्र में जनता फैसला देती है, अपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, अपने मंचों के माध्यम से इस चुनाव में जो राजनीतिक दल अपने संदेश जनता को देते हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जनवादी पार्टी ने मिलके गठबंधन किया और गठबंधन से गाजीपुर में हमें अपना उम्मीदवार घोषित किया। आज 4 सेट में नामांकन दाखिल कर दिया है, बाकी 19 तारीख को वोट पड़ेगा, 23 तारीख को गणना होगी। फैसला जनता का जो आएगा वो स्वीकार है। प्रायः देखा जाता है और इस समय भी देखा जा रहा है कि 5 साल से जो लोग सत्ता में हैं वो इम्तहान के लिए पर्चा भी खुद ही तैयार करते हैं और कापी भी खुद ही लिखते हैं इम्तहान में, और कापी जांच करके नंबर भी स्वयं ही अपने को दे लेते हैं। तो वो तो 100 में 100 नंबर है, लेकिन एक घड़ी ऐसी आ जाती है जब कापी अभ्यर्थी उम्मीदवार जनता की अदालत में अपनी कापी लिखता है और एग्जामिनर का काम करती है जनता। तो अब इस समय तो काफ़ी जनता जांचेगी, जो जिसने किया है और जिसके लिए जनता के दिल में जो है वो उसको व्यक्त कर देगी। हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की ज़बरदस्त लहर है, समीकरण भी है और सत्ताधारी दल के जो 5 साल में हठधर्मी की नीति और कार्यक्रम और मनमाना जिसके कारण देश को बहुत ही क्षति उठानी पड़ी, आज देश 25,500 रुपये का कर्ज भारत के प्रत्येक नागरिक पर है, महंगाई चरम पर, 44 रुपये का डीजल 66 रुपये हो गया, 12.5 रुपये का किरासन तेल आज 36 रुपये लीटर है, जो फ्री में सिलेंडर देने की बात कही गई, सिलेंडर भराने वालों को अब 1,000 रुपया देना पड़ रहा, जो फ्री में बिजली देने की बात कही गई, जिसने कनेक्शन लिया उसको भी, जिसने नहीं लिया उसको भी 440 रुपये की बिल आ रही, हर क्षेत्र में विफल हैं सरकार। 52 रुपये का डॉलर का मूल्य था, 52 रुपया गिनिए एक डॉलर मिल जाता था, अब 75 रुपया गिनेंगे तो एक डॉलर मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने का सवाल था, अब किसान त्रस्त है, आत्महत्या कर रहा है, 5 किलो यूरिया की बुरिया में माल गायब हो गया। GST से जनता, व्यापारी सब त्रस्त हैं, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जो इतिहास का विद्यार्थी रहा वो अर्थशास्त्र चला रहा, और जो रिजर्व बैंक का गवर्नर अर्थशास्त्र का जानकार था वो इस्तीफा दे दिया,
जो इंटर पास है वो मानव संसाधन मंत्रालय चला रहा, जिसको जनता अपनी अदालत में खारिज कर दी, लोकतंत्र के इस पर्व में चुनाव में जिसे पराजित कर दी, वो तमाम लोग भी आज मंत्री पद की शपथ लेकर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये मनमानी जो सत्ता में है वो करता तो रहा और अपनी पीठ अपने थपथपाता रहा, अपनी कापी अपने ही जांच के अपने को 100 नंबर देता रहा। आज भारत गरीबी दूर करने के सूची में 104वें स्थान पर पहुंच गया। कहा गया कि हम देश को बुलंदी पे ले गए और दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिए। आज भारत पे जो कर्ज है उस कर्ज का 49% अकेले 5 साल की माननीय मोदी जी के सरकार के कार्यकाल की देन है। इस सरकार के कार्यकाल में हमारा लाल किला बंधक रख दिया गया, 6 एयरपोर्ट बंधक हैं, विकास की बात करने वाले जो मंत्री मंत्रालय चला रहे हैं, 1,35,000 कर्मचारियों को बीएसएनएल के होली में तनख्वाह देने के लाले पड़ गए, लगभग 60,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने का सवाल है, जेट एयरवेज के 22,000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई, एचएएल का हाल यही है, एयर इंडिया नीलामी पे रखा हुआ है, बाकी काफी जनता जा चुकी है। सर, अगर 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 आप